स्वागत है आप सबका, मैं मनोहर कुमार और आज हम हैं एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम इलेक्ट्रिक मैन वाला एक्सपेरिमेंट लेके आएंगे, और जैसा कि आपने कल देखा था ये हाई वोल्टेज जनरेटर वाला हमने एक्सपेरिमेंट किया था, यानी कि ये जो है 400,000 वोल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। इसका स्ट्रक्चर हम समझ भी लेते हैं कि कैसे हम किए थे। और हमने क्या किया है कि अब की बार इस तार की जगह पे स्विच जोड़ दिया है। देखिए ये नॉर्मल बैटरी है, लिथियम बैटरी, जिसको ये 3.7 वोल्ट का है, 3.7 वोल्ट का ये बैटरी है। और ये कंप्यूटर से, वो कंप्यूटर के चार्जर में भी रहता है, इसको आप आसानी से 5 वोल्ट वाले चार्जर से चार्ज कर सकते हैं इस बैटरी को, है ना। इसमें प्लस और माइनस जोड़ दीजिए चार्जर का, ये चार्ज हो जाता है। तो इसको हमने चार्ज कर लिया है, और इसके देखिए एक इधर से जो टर्मिनल निकाला प्लस है, ये माइनस है, और हमने ये जो है प्लस माइनस में देना था तो बीच से ये हटा के और इसमें हमने स्विच जोड़ दिया है। नॉर्मल कनेक्शन है, देखिए इसमें बस प्लस माइनस जोड़ना था, हमने बीच में ये स्विच जोड़ दिया है ना, और ये स्विच जोड़ दिया। जैसे ही स्विच को ऑन किया जाएगा तो ये आउटपुट पे जो 400,000 वोल्ट आ रहा है ना, तो वो क्या होगा, 400,000 वोल्ट देखिए इस तरह से रिएक्ट करेगा। यहाँ थोड़ा सा हम कर दे रहे हैं, देखिए इस तरह से, थोड़ा सा स्पार्क गैप यहाँ देखिए, है ना। जैसे ही क्या कर रहे हैं, देखिए अभी कनेक्शन पूरा है, स्विच की जगह हमने जोड़ दिया है, और जैसे ही ये स्विच दबा रहे हैं देख रहे हैं, है ना, स्विच दबाते ही इस तरह से, ठीक है। तो हाँ देखिए ये स्विच हो गया और इसको दबा रहे हैं, देखिएगा 1 2 3 है ना, देखिए इस तरह स्विच दबाते हैं तो इस तरह से आ रहा है, आर्क बन रहा है। अब इसी 400,000 वोल्ट को हम इनके बॉडी में फिट करेंगे, है ना, तैयार हो। और ये जब किसी को टच करेंगे तो उनको भी करंट का झटका लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और इनके बॉडी में फिट करते हैं। तो हम करेंगे क्या, सिंपल क्या है कि कुछ नहीं, ये जो दोनों आउटपुट है, इन दोनों आउटपुट तार को क्या करेंगे, एक इनके बॉडी में टच रहेगा, है ना, एक आपकी बॉडी में रहेगा और दूसरा जो है वो ग्राउंड को दे देंगे। मतलब ये कि ग्राउंड, यानी ग्राउंड को कैसे देंगे, तो इनके जूते में ये नीचे वाला तार फिट कर देंगे। दो तार हैं, इन दोनों के बीच स्पार्क हो रहा है, तो ये हो गया इनके बॉडी में और ये हो गया ग्राउंड में। अब कोई तीसरा पर्सन जो ग्राउंड से टच है, या दूसरा पर्सन जो ग्राउंड से टच है, वो अगर छूता है तो फिर ये सर्किट पूरा हो जाएगा। मान लीजिए ये ग्राउंड में है और ये इनके बॉडी में है, कोई तीसरा आके छूता है इनके बॉडी को, तो इससे यहाँ तक पूरा हो गया ना, तो सर्किट कंप्लीट होते ही उसको लगेगा जोर का झटका, और फिर हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले अब इनके बॉडी में फिट करते हैं। देखिए तो हमने क्या किया है, ये पूरा ये स्विच था और ये पूरा सर्किट था जैसा आपने देखा है, और ये जो आउटपुट पे था हमने क्या किया, एल्युमिनियम फॉयल जो है टेप की सहायता से चिपका दिया है, है ना, ये एल्युमिनियम फॉयल है और हमने टेप की सहायता से दोनों टर्मिनल पे चिपका दिया है। क्यों, क्योंकि एक को क्या किया जा सके, ग्राउंड किया जा सके, यानी ग्राउंड करने के लिए हम इनके जूता के नीचे लगा देंगे इसको, और एक को इनके पैर पे चिपका देंगे, है ना, और कोशिश करेंगे कि ये दोनों आपस में टच ना हो, क्योंकि ये जूता के नीचे रहेगा पैर के नीचे, और ये जो है इनके पैर पे चिपका रहेगा और ये दोनों अलग रहेगा क्योंकि ये जूता के नीचे है। और जैसे ही कोई पर्सन ग्राउंड पे होगा और फिर इनको टच करेगा, यानी इस तार को बॉडी में जो कनेक्टेड है, तो उसको शॉक लगेगा, है ना। तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे आइए और चिपकाते हैं इनको। तो देखिए ये यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ये है शू, और इसके दोनों टर्मिनल पे देखिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया है, एल्युमिनियम फॉयल, और यहाँ भी टेप लगा के, और यहाँ भी हमने इस तरह से ये तार की सहायता से, है ना, एल्युमिनियम फॉयल हमने इस तरह से लगा दिया है, क्लियर, एल्युमिनियम फॉयल लग गया है। और इसमें दोनों में से किसी एक को क्या करेंगे कि ग्राउंड से जोड़ देंगे, यानी इस तरह से, है ना, ग्राउंड को इस तरह से जोड़ देंगे। और देखिए यहाँ पे ग्राउंड से जोड़ने, ये जो है तार यहाँ पे कनेक्टेड है और इस तरह से, और यहाँ पे एक टेप लगाते हैं, चलो भाई थोड़ा टेप दो एक, है ना, और टेप यहाँ लगाएंगे, और यहाँ पे हम टेप लगा रहे हैं ताकि ये चिपक जाए अच्छे से। और ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ भाई, ये टेप क्या हुआ, चिपक गया अच्छे से,
और यहाँ पे भी चिपका देंगे इसको। ये यहाँ पे टेप चिपक चुका है। अब क्या है कि ये ग्राउंड से कनेक्टेड हो गया है ना। हाँ। ठीक है, और दूसरा जो पोर्शन है देखिए इस तरह से ये ग्राउंड से कनेक्टेड है, और ये दूसरा जो पोर्शन है ये कहाँ कनेक्टेड रहेगा, ये इनके पैर से रहेगा। तो पहले ये क्या करेंगे, मोजा पहनेंगे। मोजा पहन रहे हैं और भाई पहनो इस तरह से। हाँ पहनिए एक मिनट। और इनको आइसोलेट करने के लिए प्लास्टिक का देखिए, ताकि इनको तनिक भी झटका ना लगे, हम क्या करेंगे कि इनको प्लास्टिक का ये पहनाएंगे। भाई प्लास्टिक का पहनिए, देखिए अभी जो है प्लास्टिक पहन रहे हैं। थोड़ा बड़ा, थोड़ा सा एक और कवर लेंगे। नजदीक लो ये, ताकि पैर में इनका झटका ना लगे, है ना। चलिए बांधिए। हाँ बांधिए। और ये जो है एक दूसरा प्लास्टिक भी, हालांकि इन्होंने मोजा पहन रखा है। चलिए भाई। हाँ देखो नहीं, ये जो है एक और हम ये कहेंगे। हाँ पहन लीजिए एक और, है ना, ताकि इनको तनिक भी कोई शौक न लगे। हम कोशिश यही करना है कि इनको कोई शौक न लगे, है ना। और ये जूता पहन चुके हैं। चलिए भाई जूता पहनिए। ओके, और ये पहनिए, ये भी जूता पहनिए। ठीक है पहनिए। और ये जूता पहन चुके हैं। एक जो तार है ये इससे निकल के आउटपुट वाला नीचे है ग्राउंड को, और एक जो है कोशिश ये रहे कि ये ग्राउंड से टच रहे। करो तो भाई, टच हो रहा है नीचे, टच है। हाँ इस तरह से टच है, है ना। और एक जो है इनके पैर में रहेगा टच, इस तरह से है। और हम इस पर टेप चढ़ा देंगे। देखिए एक तार यहाँ टच है और एक तार ग्राउंड से टच है, तो इस पर हम टेप चढ़ाएंगे। चलो देखिए, और ये हम यहाँ टेप चढ़ा रहे हैं, और ये तार देखिए एल्युमिनियम फॉइल पे पहले से चिपका हुआ है, और ये यहाँ पे है ना दिया है। ओके देखिए भाई, ये जो है नीचे ग्राउंड से कनेक्टेड है। थोड़ा सा हम ऐसे जगह पे कर दे रहे हैं ताकि बढ़िया से ग्राउंड से कनेक्ट रहे, जैसे यहाँ पे हम कर दे रहे हैं। जो आउटपुट वाला तार था ये है ना भाई, आउटपुट। हाँ। ये आउटपुट वाला जो तार था इसको हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया है एक तार, और दूसरा तार कहाँ है भाई, ठीक से यार। दूसरा तार यहाँ पे है, देखो ज्यादा ये मत करो, है ना। तो दूसरा तार यहाँ पे कनेक्टेड है, तो हमने इस तरह से इस पे चिपका दिया है। देखिए अल्मोनियम फॉयल है, यहाँ भी अल्मोनियम फॉयल ही है, है ना। हाँ। तो इस पे हमने इस तरह से चिपका दिया है, और ये चिपक चुका है अल्मोनियम फॉयल। एक मिनट, थोड़ा सा इस तरह से अब चिपकाते हैं, है ना, है ना। स्ट्रक्चर सिंपल है, बस आउटपुट वाला जो है हमने क्या किया है इसको इस पे एक तार इनके बॉडी में और दूसरा यहाँ नीचे, है ना। देखिए तो ये तैयार हो गए हैं पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मैन। और यहाँ पे ये देखिए शू है, और ये स्विच जो है इनके हाथ में है, है ना भाई। हाँ। पूरी तरह से ये इलेक्ट्रिक मैन तैयार हैं। अब इनको कोई टच करता है तो बुलाते हैं। एक्चुअली देखिए क्या है कि ये एक्सपेरिमेंट बच्चे थोड़ा डर रहे हैं, और बच्चे मतलब कर नहीं पा रहे थे, तो अब की बार हमने खुद ही ये फिट कर लिया है। देखिए तो लाइए, स्ट्रक्चर सेम है, ये जूता जो है हमने खुद पहन लिया है ना। क्यों भाई तुम दिखाओ, हाँ नज़दीक से लो थोड़ा। हाँ तो ये जूता जो है वो हमने पहन लिया है, और पूरा ये हमारे तरफ दिखाइए इस तरफ। हाँ तो अब क्या कर रहे हैं कि अब ये हम अपने पे खुद ट्राई कर रहे हैं, है ना, और अपने बॉडी में करंट देंगे। हमारे बॉडी में पूरी तरह जो है अभी करंट आ रहा है, और जैसे ही कोई हमको टच करेगा तो उसको करंट का झटका लगेगा, है ना। तो भाई कोई एक आदमी आओ, तो तुम इधर आओ, इधर आओ तुम, चलो तुम इधर आओ, इधर आओ। ओके तुम यहाँ आओ, यहाँ आओ। चलो थोड़ा उधर उधर देख के रिएक्शन थोड़ा भाई, और तुम रेडी रखो। हाँ वो अरे यार तुम भी
और भाई तो देखिए हमको टच करेंगे, और टच कीजिए, टच कीजिए, ओ उफ, करंट लगा। और ये देखिए झटका लग रहा है यहाँ पे, अगर कोई भी व्यक्ति हमको टच करेगा तो हमको भी झटका लग रहा है और इनको भी झटका लग रहा है, लग रहा है ना भाई? तो देखिए झटका बहुत तेज लग रहा है, इसलिए अब हम नहीं करेंगे क्योंकि हमको भी झटका काफी लग रहा है भाई। झटका लगा, झटका लगा था ना? तो देखिए इसको प्लीज आप घर पे ट्राई करने का प्रयास न कीजिएगा, क्योंकि झटका बहुत ही तेज लग रहा है। और पहले हमने बच्चे पे ट्राई किया था तो इतने डर गए थे कि फिर वो माने नहीं, और हमको अपने बॉडी में फिट करना पड़ा। और भाई दिखाओ अपने बॉडी में, इधर इधर दिखाओ, तो लाओ तो इधर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक ग्राउंड को कर दिया है और एक अपने बॉडी में यहाँ पे चिपकाया हुआ था, ठीक है। और ये स्विच था ये, और इसको हम स्विच ऑन ऑफ जब कर रहे थे तो हमारे बॉडी में करंट आ रहा था, और वही करंट जब किसी को टच कर रहे थे हम, तो हमें भी झटका लग रहा था, उसको भी झटका लग रहा था। तो इसको घर पे ट्राई करने का प्रयास न कीजिएगा क्योंकि झटका बहुत तेज लग रहा है, इसलिए और हम प्रयोग को नहीं दोहराएंगे। देखिए ये एक्सपेरिमेंट जो था वो काफी औसम था, और इसमें तेज झटका लग रहा था। किसको झटका लगा था उस टाइम? बहुत बहुत तेज लग रहा था ना? तो देखिए इसको प्लीज घर पे प्रयास मत कीजिएगा क्योंकि काफी तेज शॉक लग रहा था, और उसको तो हमने परफॉर्म किया। तो ये बताइए कि ये इलेक्ट्रिक बॉय, इलेक्ट्रिक मैन जो कहिए, वो एक्सपेरिमेंट आपको कैसा लगा? और तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कीजिए लाइक, और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और हमारे साथ जुड़े रहिए अगले एक्सपेरिमेंट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।